दोस्तों, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स पहले ओल्ड एज में हुआ करती थी, वो आजकल युवाओं को होने लगी है, और इसकी जिम्मेदार बहुत हद तक हमारी बदली हुई लाइफस्टाइल है। विटामिन डी की कमी और उससे जुड़ी समस्याएं भी हमारे एसी कल्चर और आरामदायक जिंदगी का एक साइड इफेक्ट है। आइए आज हम विटामिन डी की कमी के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। क्या होता है विटामिन डी? विटामिन डी शरीर में पाया जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन डी फैट सोल्यूबल प्रो हार्मोन का एक ग्रुप होता है, जो शरीर को कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फोस्फेट और जिंक को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाने वाला विटामिन डी शरीर द्वारा जब प्रोड्यूस होता है, जब हमारी स्किन पर सनलाइट पड़ती है। यह नेचुरली कुछ खाने पीने की चीज़ों में भी पाया जाता है। विटामिन डी के टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो ये दो तरीके का होता है। पहला विटामिन डी टू, जिसको अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, जो पौधों द्वारा बनाया जाता है। दूसरा होता है विटामिन डी थ्री, जिसको कॉले कैल्सिफेरॉल कहते हैं। ये सनलाइट जब हमारी स्किन पर पड़ती है तो बनता है हमारे शरीर में। विटामिन डी की कमी के लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो हड्डियों में दर्द होना, मांसपेशियों में कमजोरी, बिना अधिक मेहनत किए थकान होना, दिन में ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना। विटामिन डी की कमी के कारण की अगर मैं आपकी बात करूँ तो यदि आप दूध से बहुत अधिक बचते हैं, दूध पीना भी आपको पसंद नहीं, साथ ही आप प्योर वेजिटेरियन है, तो हो सकता है आपको विटामिन डी की कमी हो। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए कौन कौन से टेस्ट आपको करने के लिए कहा जाता है? विटामिन डी की कमी का पता लगाने के लिए डॉक्टर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ब्लड टेस्ट सजेस्ट करते हैं। विटामिन डी की कितनी मात्रा कम या अधिक है, इस टेस्ट से पता लगाया जाता है। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे फिश, एग योक, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉनवेज। सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट बी रेज हमारी त्वचा से मिलकर विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। अगर हम अपनी रोज़ की दिनचर्या का कुछ वक्त सूरज की किरणों के बीच रहकर भी बिताएं तो विटामिन डी की कमी आसानी से और प्राकृतिक तरीके से दूर की जा सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।